हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि ट्रिपल सी का सिलेबस क्या होगा और हम क्या क्या पढ़ें कि ट्रिपल सी हम अपने से पास हो जाएं, ट्रिपल सी पास हो जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। जितने भी हमारे साथी हैं इस YouTube चैनल पे, जो लोग भी हमारा वीडियोज़ देख रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट, अगर आप लोग ADCA या DCA इन दोनों में से कोई कोर्स आप लोगों ने किया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि DCA ADCA का सिलेबस क्या होता है। तो आपको बताते चलें कि जो ADCA और DCA का सिलेबस है वह ट्रिपल सी का लगभग लगभग सेम टू सेम सिलेबस होता है। बस ये रहता है कि ट्रिपल सी में कुछ सिलेबस को थोड़ा सा काट दिया गया और कुछ पॉइंट आउट को जोड़ दिया गया है। तो आपको बता देते हैं कि सबसे पहले मोस्ट ऑफ पॉइंट क्या होता है सिलेबस के अंतर्गत। चलिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। मतलब यह कि कंप्यूटर का परिचय। अब कंप्यूटर के परिचय की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आई हैं, जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा कंप्यूटर में आपको बेसिक चीज़ें, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे पहला कंप्यूटर कब था, कंप्यूटर कौन से ऐसी पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। इसके अलावा अब जैसे अबैकस के बारे में आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में, पहला पॉइंट। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात, दूसरे पॉइंट में आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स और जैसे मैकOS। हालांकि ट्रिपल सी के सिलेबस में आपको विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स इतना ही आपको ट्रिपल सी के सिलेबस में मिलेगा, मैकOS शायद ही आप लोग को मिलेगा, उम्मीद है कि नहीं मिलना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। पॉइंट में तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि ट्रिपल सी के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चीज़ है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, एमएस ऑफिस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अलावा एक और चीज़ आपको मिलेगा लिब्रे ऑफिस, या कुछ लोग लिब्रे ऑफिस बोलते हैं इसको। इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन ट्रिपल सी में आ रहा है तो वह लिब्रे ऑफिस से आ रहा है, और एमएस ऑफिस से भी आता है, एमएस ऑफिस से कम आता है। अब इन तीनों के अंदर क्या, क्योंकि एमएस ऑफिस के अंतर्गत आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, आउटलुक, लेकिन तीन पॉइंट ज़्यादा पूछता है। मैं एक बार इधर नोट कर देता हूँ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन्हीं तीनों पॉइंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एमएस ऑफिस से और लिब्रे ऑफिस से। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट है इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे किसी भी पॉइंट आउट को ले लिया जाए, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर पे कौन कौन से हार्डवेयर हैं, इन सब चीज़ों को। और सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने बात की वो भी सॉफ्टवेयर में ही आते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में यहाँ पे हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इन सब से मतलब है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पांचवे नंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का परिचय। जैसे इंटरनेट का पुराना नाम क्या था, इंटरनेट कब लॉन्च किया गया, इसके अलावा WWW क्या है, ISP क्या है, OSI मॉडल क्या है, टोपोलॉजी क्या है, इन सब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन खूब आते हैं और बढ़िया से क्वेश्चन आते हैं। नेटवर्क में थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछता है। बताते हैं कि ट्रिपल सी के अंदर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछता है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब यह कि जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन, कंप्यूटर को या मोबाइल को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब से रिलेटेड खूब क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी के अंदर। सातवां पॉइंट है डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछता है जैसे आपका UPI है, भीम ऐप है, इसके अलावा भारत में कौन कौन सी योजनाएं हैं। योजनाएं का मतलब जैसे आप लोग को मिला होगा मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, या बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं। इसके अलावा इसमें जो है डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंट कितने प्रकार का होता है, या भारत का जो रुपीज सिंबल है वह कब बना, किसने बनाया, किस सन में बना। इसके अलावा जो है ये इससे क्वेश्चन और सारे आते हैं, जैसे UPI क्या है, भीम ऐप क्या है, और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें पूछी जाती हैं। टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी मतलब जैसे पूरी दुनिया में, भारत में बहुत सी हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, अपडेट होती रहती हैं, तो न्यू टेक्नोलॉजी बहुत पूछता है कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, इससे क्या फ़ायदा है। दसवां पॉइंट है और फुल नेम, यह भी एग्जाम में खूब आता है कि
किस चीज़ का शॉर्टकट क्या होता है और किसका फुल नेम क्या होता है। जैसे मान लीजिए बायोस का फुल नेम क्या है, या अंडू का शॉर्टकट क्या है, सेव का शॉर्टकट क्या है, न्यू का शॉर्टकट क्या है, तो सारी की सारी चीज़ें जो है इस तरीके से खूब आती हैं। हालांकि एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो भी चीज़ें छूट गई हो या आपको लगता है ये चीज़ें नई पॉइंट जोड़ दी गई है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, हम इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। हाँ, एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि इसी तरीके से हम आपको एक एक टॉपिक धीरे धीरे कवर करते रहेंगे और नई नई वीडियो हमेशा अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए जय।